सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपका मकान आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी संपत्ति है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका मकान सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा गड्ढा है जहाँ पर आप हर महीने अपने कमाए हुए पैसे डालते हैं। कमाए हुए नहीं, मेहनत के कमाए हुए पैसे आप हर महीने डालते हैं। बुरा लग रहा है? देखिए, बात बुरा लगने वाली नहीं है, बात समझने वाली है कि हम संपत्ति बना रहे हैं या दायित्व इकट्ठा कर रहे हैं, है ना? और आज के इस चैप्टर में हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, संपत्ति क्या होती है। और जुड़े रहिए बिल्कुल वीडियो के एंड तक। एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम हर बुक के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि सही में हम बुक को अपने ज़िंदगी में, अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, रिटन बाय ग्रेट ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी। सो अभी तक हमने देखा दोस्तों कि बागडोर हमें अपने हाथ में थामना चाहिए, है ना? हमें अपना बिजनेस खुद को बिल्ड करना चाहिए। और हमने बहुत सारे डिस्कशन किए कि कौन सा बिजनेस सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, हमें पैसिव इनकम दे सकता है। तो नतीजे में हम ये पहुँचे कि सबसे जो ज़्यादा सिक्योर और अनलिमिटेडली इनकम देने वाली हमें जो बिजनेस मिला वो है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, एक क्रांतिकारी बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ये बिजनेस संपत्ति बनाने के बारे में है, है ना? तो संपत्ति बनाने के बारे में अगर बिजनेस है तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि संपत्ति क्या है, है ना? तो देखिए, जैसे हम मकान के बारे में बात कर रहे थे, तो देखो, देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा मकान, ठीक है, अगर हम आपको ये पूछे कि आपका मकान का मूल्य कितना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा घुमा दें कि हर महीने आपका मकान आपको कितना पैसा देता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? वो कुछ भी नहीं देता, बल्कि बल्कि हमारे पॉकेट से पैसा ले जाता है। कैसे? उसके मेंटेनेंस होते हैं, है ना, उसका खर्चा होता है। तो हमारा मकान जो है वो हमारा संपत्ति नहीं, वो हमारा लायबिलिटी होती है, दायित्व होता है, ठीक है? यानी कि सिंपल से अगर हम समझे तो अगर कोई चीज़ हमारे पॉकेट में पैसा डाल रही है तो वो संपत्ति है, और अगर कोई चीज़ हमारे पॉकेट से पैसा ले जा रही है तो वो हमारा दायित्व बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो गाड़ी है, एक गाड़ी आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका दायित्व है, कि क्योंकि वो आपको कभी पैसा ला के नहीं देता, बल्कि उसके मेंटेनेंस में आपको आपका खर्चा होता है। लेकिन और एक गाड़ी है आपके पास और आप उसको अगर भाड़ा में लगाए हुए हैं तो क्या होता है, वो आपके पॉकेट में पैसा लाके दे रहा है। यानी कि जो गाड़ी पैसा दे रहा है वो आपका संपत्ति है, जो गाड़ी आपके पॉकेट से पैसा ले रहा है वो आपके लायबिलिटी यानी कि दायित्व है, ठीक है? तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि मैं मेरे मकान को बेच भी तो सकता हूँ, है ना? 10 लाख में मेरा मकान था, उसको उसका दाम अभी 20 लाख हो गया है, तो ये तो संपत्ति हुआ? नहीं। देखिए, जब हम 10 लाख में मकान को खरीदे थे, ठीक है, आज वो 20 लाख हो चुका है, लेकिन अगर आप उस मकान को बेचते हैं तो आप रहेंगे कहाँ? आपको और एक मकान बनाना पड़ेगा। यानी कि आपके मकान के जो पैसे थे उस पैसे को आप अपने हिसाब से खर्चा नहीं कर सकते, है ना? और एक चीज़ गौर कीजिए, जिस मकान को आप 10 लाख में खरीद के 20 लाख में बेचे थे, जब आप और एक मकान खरीदेंगे तो आपको कितना में मिलेगा? वही 20 से 30 लाख में ही मिलेगा उसी टाइप का मकान, है ना? तो देखिए, यहाँ हमें समझने वाली बात ये है कि क्या हो रहा है मार्केट में, है ना? हम कहाँ हैं, ज़िंदगी कैसे चल रही है, मार्केट कैसे चल रही है, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पर आती है कि हम तो जैसे हम रियल स्टेट खरीदते हैं, ज़मीन वगैरह खरीदते हैं, है ना, तो हमें क्या लगता है कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, है ना? तो 10 लाख में हम खरीदे हैं तो उसको 3-4 साल के बाद बेचेंगे तो वो 20 लाख हो जाएगा,
तो हमें लगता है कि हमारी ज़मीन हमारी संपत्ति है। देखिए यहाँ पर और एक बात हमें समझने की ज़रूरत है, वो है सही में कौन सा रियल इन्वेस्टमेंट है, कौन सा हमें पैसा मल्टीप्लाई करके देता है, ठीक है, और कौन सा कैपिटल गेन है। देखिए जिस ज़मीन को हमने 10 लाख में ख़रीदा था उसको जब हम 20 लाख में बेचते हैं तो क्या हुआ, वो ज़मीन हमारे हाथ से चली गई, प्लस उसके बदले जो 10 लाख हमें मुनाफा हुआ वो हमारा कैपिटल गेन है, ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये हमारा इनकम ही है, वही ई एंड एस क्वाड्रेंट का ही इनकम है, ये राइट क्वाड्रेंट वाला इनकम नहीं है, क्योंकि संपत्ति तो हमारे हाथ से चली गई ना। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, उसी ज़मीन को रखेंगे, वहाँ पर मान लीजिए आपने कोई मॉल बनाया या फिर कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया और उसको आप भाड़ा में लगाए, तो क्या हुआ, वो ज़मीन आपके पास रहा प्लस वो बिल्डिंग आपके पास रहा, उस बिल्डिंग से जो पैसा आएगा वो आपका पैसिव इनकम है, वो आपका रियल इन्वेस्टमेंट होता है जो कि पैसा मल्टीप्लाई करके आपको देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बातों को समझने की कोशिश कीजिए, कौन सा संपत्ति है और कौन सा लायबिलिटी है, ठीक है, कौन सा पैसा कमाना है और कौन सा पैसा बनाना है, संपत्ति बनाना है, ठीक है। और देखिए अगर हम पैसे कमाने की बात करें तो ये बहुत ही लिमिटेड चीज़ होती है, ठीक है, आप एक बार कमाते हैं, बहुत काम करते हैं, कमाते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर काम करते हैं, फिर कमाते हैं, ये एक सर्किल है ना, ये एक लूप है, और बहुत ज़्यादा कमा के आप इस लूप से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको नौकरी नहीं चेंज करनी है, हमें तो अपनी क्वाड्रेंट चेंज करनी है। इस चीज़ को हमेशा समझने की कोशिश कीजिए, हमारे मन में ये बैठ गया है कि हम बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं तो हम सिक्योर हैं, नहीं, जब हम पैसा बनाएंगे तभी हम सिक्योर रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा कमा के कितना दिन तक सिक्योर रह सकते हैं, बोला तो जाता ही है ना, आप मतलब बैठ के अगर खाएंगे तो जो नदी का बालू है वो भी ख़त्म हो जाता है, ये तो आप सुने ही हैं, है ना। तो देखिए बात यहाँ पर कमाने की नहीं, बात यहाँ पर पैसे बनाने की हो रही है ना। तो देखिए पैसे बनाने की बात हो रही है तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, अभी हम समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हमें पैसे बना के देता है। देखिए जब हम पिछले चैप्टर में हम बात भी किए थे कि ये एग्जैक्टली है क्या, कि ये यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ता है, ठीक है, प्रोडक्ट शेयर करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर आप प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, ये बात कुछ और ही होती है। अगर देखिए आप एक किसी के दुकान में रह के काम कर रहे हैं और उसके प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप एम्प्लॉई हैं, अगर आप खुद के दुकान में कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आप वहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में रह के भी सिर्फ अगर आप प्रोडक्ट ही बेचते रहे तो आप वही ई एंड एस क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, कभी आप बी क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते। बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, यूज़ करके एक ऐसा नेटवर्क हमें बनाना होता है जहाँ पर लोग अपने इच्छा से इंडिपेंडेंटली प्रोडक्ट को यूज़ करें एंड शेयर करें और बिजनेस मॉडल को भी शेयर करें और ऐसे लोगों को जोड़े जो कि प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और शेयर करेंगे। समझ में आ रहा है कितना बढ़िया चीज़ है ना। देखिए जब हमारे पास एक ऐसा टीम बन के तैयार हो जाता है कि वो खुद प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, शेयर करते हैं और कुछ लोगों को भी यही सिखाते हैं कि प्रोडक्ट यूज़ करना है और शेयर करना है, और ये टीम जब आपका बन जाएगा, आप खुद सोचिए क्या आपको एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, क्या वो सिस्टम में आपका रहना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं है। ये तभी तक आपको सिर्फ एक्टिव रहना है जब तक आपका टीम ना बना हो, सिंपल सी बात है ना। तो देखिए इस सोच से बिल्कुल बाहर आ जाइए। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में घुस भी जाते हैं तो देखिए यहाँ पर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने से ही आप बी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, हमारी सोच बदलना पड़ता है। हमारी जो सोच है कि हर महीने कितना कमाई होगा, है ना, कितना मुनाफा हो रहा है, ठीक है, अगर हम इन सारी चीज़ों में अटके हुए हैं तो हम ई एंड एस क्वाड्रेंट में ही हैं, अभी तक हम बी क्वाड्रेंट में नहीं आए हैं। तो इन सारे सोच को छोड़िए दोस्तों, और हमेशा ध्यान दीजिए कि हम कैसे एक ऐसे इंडिपेंडेंट लोगों की एक इतना बड़ा फौज बना सके जहां पर लोग इंडिपेंडेंटली
अपने प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करें, शेयर करें और कुछ ऐसे लोगों को जोड़ें जो कि यूज़ करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। और इसके चलते जब हम ये टीम बनाना सीखेंगे, वही हमारी असली संपत्ति है, जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप कितने सारे संपत्तियां हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए हम कौन कौन सी संपत्ति बना सकते हैं, हम हर एक एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो आई थिंक कि आप सबको समझ में आ गया होगा संपत्ति क्या है ना। तो देखिए, ये सारी चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे हम कभी भी एक सिक्योर इनकम में नहीं जा सकते। और देखिए, हमारा जो शिक्षा पद्धति है, हमारी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, वो हमेशा हमें सीमित करके रख देगा। सो प्लीज़ खुद को लिमिटेड मत कीजिए, ओपन माइंडेड रहिए और हर चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को ट्राई करने के लिए एक मौका दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड लाइक कमेंट एंड शेयर।